हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि स्टब जोन डीएनएस में क्या होता है। तो स्टब जोन एक ऐसा जोन है जो किसी भी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की तरफ इशारा करता है, यानी कि हम किसी जोन में, अगर जैसे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी जोन में पूरा का पूरा डेटा हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर ना करके केवल कुछ रिकॉर्ड्स को, वो जरूरी रिकॉर्ड्स को अपने जोन में ट्रांसफर करते हैं, जिनसे कि हम दूसरे जोन के दूसरे नेम स्पेस को रिजॉल्व कर सकें। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, स्टब जोन इज अ कॉपी ऑफ जोन डेट कंटेन्स ओनली दोज रिसोर्स रिकॉर्ड नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द अथॉरिटेटिव डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर फॉर डेट जोन। एक ऐसा सर्वर, एक ऐसी कॉपी जो केवल अथॉरिटेटिव डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स की तरफ या फिर नेम सर्वर्स की तरफ इशारा करती है किसी और जोन के। स्टब जोन हमें हेल्प करता है दो डिफरेंट और सेपरेट नेम स्पेस के बीच में क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, और क्वेरी प्रोसेस को बड़ा फास्ट बनाता है। ये हमें तब जरूरत पड़ सकती है जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हुई हों, या फिर एक कंपनी और उसकी पार्टनरशिप कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हो और हम नहीं चाहते कि ये क्वेरी प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो, तो हम उस केस में स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं। स्टब जोन को डायनेमिक कंडीशनल फॉरवर्डर्स भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है। तो जो नॉर्मल हमारा क्वेरी प्रोसेस होता है वो इस प्रकार होता है कि आपका जो सर्वर है, मान लीजिए ये pc.1.xyz.com, जो ये हमारा कंप्यूटर है, अगर ये pc1.abc.com से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये क्वेरी भेजता है। क्वेरी इसके डीएनएस सर्वर के पास जाती है। डीएनएस सर्वर अगर इसके कैशे में पहले से abc.com रिजॉल्व नहीं है तो ये रूट के पास जाएगा, और अगर रूट क्योंकि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है फर्स्ट लेवल डोमेन्स के लिए, तो इसके पास एबीसी की कॉम इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये रूट सर्वर इस एक्स वाई जेड को केवल एक रेफरल आंसर दे देता है डॉट कॉम सर्वर का। तो ये जो एक्स वाई जेड सर्वर है, एक्स वाई जेड डॉट कॉम सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, ये डॉट कॉम सर्वर के पास जाता है, और डॉट कॉम अपना रिकॉर्ड चेक करके इसको abc.com डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताता है, और उसके बाद ये सर्वर डायरेक्टली इसके पास जाता है। तो ये कुछ एनवायरमेंट्स ऐसा चाहती हैं, मे बी ड्यू टू मर्जर्स, मतलब ये दो कंपनीज हैं abc.com और xyz.com, अगर इनमें कोई मर्जर हो गया है और आप चाहते हैं कि जो क्वेरी प्रोसेस है वो रूट डॉट कॉम वाला पाथ फॉलो ना करके डायरेक्टली क्वेरीज abc.com की रिजॉल्व कर दे xyz का नेम सर्वर, और xyz की क्वेरीज को एबीसी का नेम सर्वर रिजॉल्व कर दे, तो इस केस में हम कंडीशनल फॉरवर्डर्स या उसके अलावा स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इस वीडियो में स्टब जोन की तरफ है, तो हम स्टब जोन के बारे में बात करते हैं। तो स्टब जोन जो हमारा, अगर हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैं इसको xyz.com सर्वर में क्रिएट कर रहा हूं, तो ये हमारे abc.com जो डोमेन है उसके डीएनएस सर्वर की तरफ केवल इशारा करता है और कुछ रिकॉर्ड्स को ही कॉपी करता है, जिससे मेरी रेजोल्यूशन थोड़ी सी फास्टर हो जाती है और मुझे ये रूट डॉट कॉम वाला पाथ नहीं लेना पड़ता है। इसके अलावा स्टब जोन का एक और बेनिफिट भी है कि स्टब जोन पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपने यहाँ पे कॉपी नहीं करता है। मान लीजिए अगर मैं xyz.com में एबीसी का स्टब जोन क्रिएट करता हूँ, तो ये सभी के सभी रिकॉर्ड्स का डेटाबेस, यानी कि PC1, PC2, PC100, PC200, इस सब का रिकॉर्ड अपने यहाँ नहीं लेके आएगा, ये केवल एबीसी में रखे हुए नेम सर्वर्स का रिकॉर्ड अपने पास लेके आएगा। और इसको डायनेमिक कंडीशनल फॉरवर्डर इसलिए बोला जाता है कि अगर एबीसी में 4-5 डीएनएस सर्वर्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली, अगर मैं एक का नेम सर्वर का एड्रेस यहाँ दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उन 4-5 को अपडेट कर लेगा। जब भी हम स्टब जोन क्रिएट करते हैं, तो जो कुछ रिकॉर्ड्स वहां से कॉपी होते हैं मास्टर डेटाबेस से, उनमें से एक रिकॉर्ड होता है SOA रिकॉर्ड, यानी कि स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, नेम सर्वर या NS रिकॉर्ड, और A रिकॉर्ड यानी कि होस्ट रिकॉर्ड, और इसके अलावा IP एड्रेस ऑफ वन और मोर मास्टर सर्वर्स डेट कैन बी यूज टू अपडेट द स्टब जोन। तो मास्टर सर्वर्स के IP एड्रेसेस भी आ जाते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे हम स्टब जोन क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक सर्वर लिया है जिसका नाम है dc1.king.com। तो हम इसमें डीएनएस हमने इंस्टॉल कर रखा है,
और डीएनएस में कुछ जोन्स भी हमने, जैसे कि क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है तो एक जोन तो इसमें अपने आप से ही बन जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में, वो है king.com। तो चलिए हम चाहते हैं कि इसमें एक स्टब जोन क्रिएट करें, तो मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करता हूं और न्यू जोन सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद एक विजिट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट प्रेस करता हूं। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले डीएनएस के वीडियोस में देखा है प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टब जोन। अगर आप चाहते हैं कि इस जोन को आप एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर करें ताकि वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही रेप्लीकेट हो जाए, तो इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दीजिए। अगर आप एक जर्नल स्टब जोन क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर ना हो, एक फाइल में सेव हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास एक और रेप्लीकेशन रिलेटेड एक विजिट में ऑप्शन आती है कि ये जो रेप्लीकेशन होगी इस स्टब जोन की वो कहां कहां होगी। तो इसमें तीन ऑप्शंस हैं कि फॉरेस्ट में डोमेन के सभी डीएनएस सर्वर्स के पास या फिर सभी डोमेन कंट्रोलर्स के पास। तो जैसा आप चाहें, क्योंकि ये पुराना विंडोज 2000 कंपेटिबिलिटी के लिए है तो हमने इसमें से सिलेक्ट की है टू ऑल डीएनएस सर्वर्स इन दिस डोमेन king.com और नेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम जो जोन क्रिएट करने वाले हैं वो याहू के लिए करने वाले हैं, तो हम यहां लिखते हैं yahoo.com। याहू से हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है और हम नहीं चाहते कि वो डॉट रूट वाला पाथ फॉलो करे, तो yahoo.com मैं डालता हूं। तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट करता हूं तो वो कह रहा है कि याहू का आपके पास डीएनएस सर्वर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनीज में मर्जर हुआ है या दो कंपनीज में आपस में कोई एग्रीमेंट है तो आपको दूसरी कंपनी के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस पता लगाना होगा। तो हमें यहाँ पे, हमारे पास कोई ऐसी कंपनीज नहीं है ना, मैंने कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो मैं याहू को यूज करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे याहू का मास्टर डीएनएस सर्वर पता लगाना होगा। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे कमांड लिखता हूँ एनएस लुक अप सेट नेम सर्वर सेट टाइप इज इक्वल टू नेम सर्वर। और इसके बाद मान लीजिए मैं याहू के नेम सर्वर्स का पता लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ yahoo.com। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई याहू के कुछ नेम सर्वर्स की, इनमें से हम किसी एक को कॉपी कर लेते हैं और अभी देखिए याहू के बहुत सारे नेम सर्वर्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, इसको रिजॉल्व कर लिया और नाम दे दिया ns1.yahoo.com। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं याहू को क्लिक करता हूं तो देखिए, तो स्टब जोन एक डायनेमिक कंडीशनल फॉरवर्डर की तरह वर्क करता है। मैंने एक ही नेम सर्वर का एड्रेस दिया लेकिन उसने जितने भी नेम सर्वर थे उनको अपने आप से उठा लिया। अब मेरी जो क्वेरीज हैं वो रूट या रूट के बाद डॉट कॉम के पास न जाके सीधा इस नेम सर्वर्स के पास या इन नेम सर्वर्स के पास ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। इस का जो एक बेनिफिट है वो ये भी है कि अगर कल को जो हमारे yahoo.com है किसी कारण से यहाँ से चार सर्वर्स को हटा के कोई चार सर्वर्स नए ले आती है NS9, NS10, NS11, NS12, तो मुझे ये और बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वो चार पांच रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ेंगे। वो चार पांच रिकॉर्ड्स जो यहाँ से हटेंगे वो अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जो नए चार सर्वर्स आएंगे और उनके जो नेम सर्वर्स होंगे वो अपने आप से ऐड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम स्टब जोन कैसे क्रिएट करते हैं और स्टब जोन के क्या बेनिफिट्स हैं। Thanks for listening.